बात अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को लेकर मचे कयासों की करेंगे। अब तक सीधे सीधे बीजेपी की ओर से नहीं बताया गया है कि उत्तराखंड में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा। पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर उन्हें आगे रखेगी, मगर असल में सीएम कौन होगा, कैसी होगी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार की कैबिनेट, इस पर साफ कुछ भी नहीं हुआ है। बैठकों का दौर, चर्चाओं का शोर और नए मुख्यमंत्री के नाम के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक महामंथन, मगर अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि आखिर इस बार पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का ताज किसके सिर सजेगा, उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा की मौजूदगी में सरकार के गठन पर बात की, लेकिन मुलाकात के बाद जब सीएम चेहरे को लेकर सवाल हुआ तो दोनों ने इस बैठक को सामान्य प्रक्रिया बता दिया, जल्द सीएम का नाम सामने आने का भरोसा जता दिया। क्योंकि हम लोगों की इतनी प्रचंड बहुमत की जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, उसके बाद चूँकि सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है तो उसमें सभी वरिष्ठ लोगों के बीच में जो है पिछले चुनाव का और सारी चीज़ों का आगे कैसे होना है उसके संबंध में सारे वरिष्ठ लोग बैठे थे, आपस में चर्चा हुई है और कोई अलग से कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक सामान्य प्रक्रिया है और वही प्रक्रिया यहाँ पर कि कल कैसे कैसे शपथ जो होगी, विधायकों की शपथ होगी, फिर विधानमंडल की बैठक होगी, तो क्या क्या करेंगे, किस समय करेंगे, थोड़ा परामर्श करके और वो फाइनल किया। भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा। सर आपने क्या कुछ दलीलें रखी कि आपको बनाया जाए, सर आपने क्या कुछ रखा जी? नहीं, हम तो बधाई देने गए थे, होली की बधाई है, इतनी बड़ी जीत हुई है। हालांकि दोनों नेता हाईकमान के फैसले को ही अंतिम बता रहे हैं, विधायकों की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने की उम्मीद जता रहे हैं। आपकी चर्चा ज्यादा रही है? नहीं देखिए, ये तो पार्टी का हाईकमान और विधानमंडल जरूर। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन के बीच उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात की। सीएम के चुनाव को लेकर मदन कौशिक की राय को बेहद अहम माना जा रहा है। सर मुख्यमंत्री चेहरा साफ है? सर धामी जी का चेहरा साफ है? उत्तराखंड में प्रचंड जनादेश के बाद सत्ता में आई बीजेपी अभी तक राज्य के नए मुखिया का नाम तय नहीं कर पाई है। सोमवार को उत्तराखंड के पर्यवेक्षक बनाए गए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे, जहां विधायकों की शपथ के बाद नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल में किन चेहरों को जगह मिले इसे लेकर भी बातचीत होगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आने की उम्मीद है। कल हमारे भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधानमंडल दल की बैठक सुनिश्चित की गई है, उससे पूर्व हमारे नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह है और कल ही हमारे विधानमंडल दल नेता का चयन हो जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में धामी की हार के बाद मुख्यमंत्री को लेकर पेच फंस गया। इसके बाद से ही नए सीएम को लेकर कई नामों की अटकलें हैं, जिस पर अब जल्द विराम की उम्मीद है। आला कमान इस बार ये चाहता है कि पूरे 5 साल तक एक ही मुख्यमंत्री हो, बीच में बदलना न पड़े, और यही वजह है कि इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए सस्पेंस बरकरार है, जिसके लिए कल शाम 4 बजे विधानमंडल की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और देहरादून से मेरे सहयोगी मंजीत नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, सबसे पहला सवाल तो यही कि उत्तराखंड का अगला सीएम कौन, क्या धामी इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं या और भी कई नाम हैं? देखिए 5 बजे नेहा विधानमंडल की बैठक जो होगी पार्टी दफ्तर में विधायकों की, उसमें नाम की घोषणा हो जाएगी और मुझे लगता है कि उसी वक्त ये पता चल पाएगा। लेकिन जहां तक निवर्तमान मुख्यमंत्री धामी की बात है, वो मुझे लगता है कि उनके उनको अगर मौका मिलना होता तो अब तक उनको मौका दे दिया गया होता, वो फिलहाल मुझे लगता है कि उस लिहाज से रेस में नहीं है। और क्योंकि तमाम जो सांसद हैं बीजेपी के, 5 लोकसभा के और 2 राज्यसभा के, उनको भी आज की बैठक में आने के लिए कहा गया है,
है तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि पार्टी ने सारे विकल्प खुले रखे हैं। और निश्चित तौर पर जिस लिहाज से इस बीजेपी को इस बार मैंडेट मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और प्रधानमंत्री मोदी ने कल देर रात तक जिस तरह की बैठकें की हैं सभी बड़े नेताओं के साथ, उनकी रायशुमारी की है, उसको लेकर मुझे लगता है कि सारे विकल्प खुले रखे गए हैं। सांसदों में से भी चुनाव हो सकता है। कोशिश यही होगी कि इस बार बीजेपी ने पिछले बार जनादेश के बाद जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री राज्य को दिए, इस बार कोशिश यही होगी कि ऐसा नाम जो कम से कम 5 साल पूरे 5 साल शासन को चला सके। और 2 महत्वपूर्ण आज के जो कार्यक्रम हैं, 11 बजे थोड़ी देर बाद तमाम जो 70 विधायक चुनकर आए हैं वो विधानसभा में शपथ लेंगे, और 1:30 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगी, और 5 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उसके बाद मुझे लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मंजीत आप भी बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो जीत थी वो अप्रत्याशित थी, और जिस तरीके से वहां मैंडेट हासिल हुआ मोदी जी के चेहरे के नाम पर, लेकिन धामी जी का भी जो योगदान था उसको लेकर भी वहां पर नारेबाजी हुई, लोगों ने कहा कि हमें धामी जी ही मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए। तो ये इस वक्त कितनी बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए कि धामी के नाम को हटाकर किसी और के नाम को आगे किया जाए, और वो नाम कौन होना चाहिए? देखिए, उनके कुछ समर्थक जरूर इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को और तमाम विधायकों को भी मालूम है कि ये जो जीत हुई है, 47 लोग जो जीत कर आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के नाम पर जीत के आए हैं, और उसके अलावा लगातार जब एग्जिट पोल से पहले बीजेपी भी इस बात को लेकर, इस खासतौर से राज्य की बीजेपी की हम बात करें तो वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि इतनी बड़ी जीत उनको होगी। और अब और पुष्कर सिंह धामी के मामले में एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए, और जिस बड़े मार्जिन से वो हारे हैं वो उनके खिलाफ जाता है, और इसीलिए कम से कम बीजेपी के जो पुराने उदाहरण रहे, चाहे हिमाचल की आप बात करें, वहां पर जिस तरह से धूमल को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया गया था, इस बार यहां पर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जरूर चुनाव हुआ, उनका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हुआ, लेकिन जिस बड़ी हार का उनको देखना पड़ा उस लिहाज से, और पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार पार्टी ने तमाम बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है, दिल्ली में कल अमित शाह ने जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष मदन कौशिक समेत तमाम मुख्य अनिल बलूनी, इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक सभी नेताओं के साथ बातचीत की, देर रात प्रधानमंत्री बिल्कुल, और ये बड़ी चुनौती मंजीत यहां पर पार्टी के लिए कि कम से कम इस बार जो सीएम चुना जाए वो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर ले, बार बार मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सभी की नजरें इस वक्त उत्तराखंड का सीएम कौन होगा इस बात पर टिकी हुई है।